अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आईटी अपडेट्स में मैं हूं मीना शाह फ्रॉम फोन वर्ल्ड लाइव। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ऑर्गेनाइज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इंटरनेट के बगैर देखें यूट्यूब वीडियोस। हवावे ऑनर C6 लॉन्च मिड रेंज स्पेसिफिकेशन के साथ। इंटरनेट का ज्यादा यूज एंड्रॉइड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे। Xiaomi ने लॉन्च किया Mi Pad 3 टैबलेट। ये तो थी हेडलाइंस, अब हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से आईटी फ्रेटर्निटी के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है और ये 6 अप्रैल को यानी कि आज ऑर्गेनाइज की गई है। आईटी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। अगर हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस रही है, स्पेशली पंजाब में, क्योंकि PITB की हमेशा ये कोशिश रही है कि पंजाब को एक डिजिटल प्रोविंस बना सके। और इसी पर्पज़ के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है कि इंटायर आईटी इंडस्ट्री इसमें बैठ सके, इसमें वो तमाम मेन इश्यूज डिस्कस कर सकें। डॉक्टर उमर सैफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन इस मीटिंग में पेश होंगे और उनकी तरफ से आईटी इंडस्ट्री में उन मेन इश्यूज को उठाया जाएगा, उस पर डिस्कशन की जाएगी। और PITB की तरफ से ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी यही कहा गया है कि तमाम आईटी इंडस्ट्री के सीईओ को इन्विटेशन दी गई है कि वो 6 अप्रैल को ज्वाइन कर सके। और मजीद कहना था कि हमें एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें इस तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जरूर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो यूट्यूब से रिलेटेड है और यूट्यूब की गो ऐप बिल्कुल रेडी है लॉन्च होने के लिए, लेकिन ये सबसे पहले इंडिया में लॉन्च की जाएगी, उसके बाद बाकी कंट्रीज में इसको रिलीज किया जाएगा। इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये इंटरनेट के बगैर भी काम करेगी, या वो इलाके जहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं आती या बहुत ज़्यादा स्लो आती हैं तो वहाँ पे आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके साथ वो तमाम वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और इसीलिए गूगल की तरफ से अपनी न्यू ऐप यूट्यूब गो का बीटा वर्जन, जिसकी टेस्टिंग बिल्कुल शुरू हो गई है, और इसके साथ ये नई वीडियो ऐप यूज़र्स को डाटा बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देगी। ये स्पेशली ऐसे यूज़र्स को जहन में रख के तैयार की गई है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट की सहूलियात बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इस ऐप में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इसका लोकल शेयरिंग फीचर, जो कि आपके डाटा को भी बचाएगी और आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। हवावे की तरफ से ऑनर 8 प्रो तो लॉन्च किया गया है, लेकिन इसी फ्लैगशिप डिवाइस के साथ ही एक और फोन भी लॉन्च किया गया है। ऑनर 6C और ऑनर 8 प्रो एक हाई एंड स्मार्टफोन है, जबकि 6C मिड रेंज स्पेसिफिकेशन के साथ है। हवावे ऑनर 6C करंटली अभी यूरोप में अवेलेबल है और अगर हम इसकी बात करें इसके स्पेक्स की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर है, इसके साथ एंड्रॉयड का 6.0 मार्शमेलो है, 13 MP बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा 5 MP है, 3GB रैम और 32GB रोम के साथ है और आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, 128GB तक आप इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस 229 यूरो है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो एंड्रॉयड का यूज़ सबसे ज़्यादा है इंटरनेट यूज़ के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है और एंड्रॉयड की तरफ से ऐसा पहली बार हुआ है कि विंडोज़ को पीछे छोड़ा है। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड पे इंटरनेट यूज़ सबसे ज़्यादा है। अगर हम मार्च के मंथ का एस्टिमेट लगाएं तो एंड्रॉयड का मार्केट शेयर 37.93% और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 37.91% रहा। ये एस्टिमेट 15 बिलियन मंथली हैं जो कि पेज व्यूज के हैं और 30 लाख वेबसाइट से हासिल किए गए हैं। अमेरिका में विंडोज के तमाम वर्जन का मार्केट शेयर 39.5%, iOS का 25.7% और एंड्रॉयड का 21.2% रहा। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में विंडोज 51.7% और एंड्रॉयड का 23.6% रहा और एशिया में एंड्रॉयड का ही राज रहा। अगर हम इस पूरी परसेंटेज को देखें तो इंटरनेट के इस्तेमाल से ये अंदाज़ा होता है। और अगर हम यूज़र्स की बात करें तो ज़ाहिर है उनके पास सबके पास अपने अपने डिवाइसेस होती हैं, किसी के पास विंडोज़ हैं, किसी के पास एंड्रॉयड हैं, लेकिन अगर हम मार्च के मंथ की बात करें 2017 की जो विंडोज़ का जो परसेंटेज निकला है वो 84% रहा है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। Xiaomi की पाकिस्तान में एंट्री बहुत अच्छी रही है और Xiaomi की तरफ से कुछ स्मार्टफोन भी लॉन्च किए गए हैं और अब Xiaomi की तरफ से Mi Pad 3 टैबलेट लॉन्च किया गया है जो कि 4GB रैम के साथ है और 7.9 इंच स्क्रीन है इसकी। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek MT8176 चिपसेट यूज़ हुई है, 4GB रैम तो मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके साथ 64GB रोम के साथ है। ये टैबलेट SD कार्ड को सपोर्ट नहीं करता, मिड रेंज टैबलेट है और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा।
चाइनीज कंपनी शाओमी पाकिस्तान में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और इसलिए जोंग 4G के साथ भी इसकी पार्टनरशिप रही है ताकि वो 4G कवरेज भी दे सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर मजीद डिटेल्स चाहिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग फोनवर्ल्ड लाइव। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।